उच्च शिक्षा मंत्री जयवंत सिंह पविया इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, कई योजनाओं का यहाँ पर तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है, आप किस तरह से देखते हैं? अगर कोई पूरे अभिभाषण को ध्यान से सुने और निष्पक्ष होकर गुने तो मध्य प्रदेश की बदली हुई तस्वीर और आने वाले एक वर्ष में प्रदेश को हम किस तरह संवारने जा रहे हैं ये अभिभाषण से पूरा समझ में आता है। उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है। सेमेस्टर पर अटकलें लोग लगा रहे थे, लेकिन आज तो अभिभाषण में ही सरकार ने कह दिया है कि जनरल कोर्सेज में ग्रेजुएशन लेवल तक हम लोग उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। और ये जो 85% अंक लाने वाले बच्चों को चिन्हित तो संस्थाओं में स्वयं सरकार का फीस भरने का फैसला है, ये तो लगता है कि भारत में किसी राज्य सरकार का पहला ऐतिहासिक निर्णय है। नए कॉलेजों के लिए हमने इस बार तैयारी की है, नवीन भवनों के लिए 20 कॉलेज तो हम पिछले वर्ष खोल चुके, इस बार भी ऐसी जगहों पर हमारी खोलने की योजना है। और कैंपस सिलेक्शन की दिशा में बहुत तेजी से काम करने का जिक्र अभिभाषण में आया है। आपको क्या लगता है कि सर कहीं ना कहीं अब और भी कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं, और भी कैसे विजन है जिसे आप लोग काम करना चाहेंगे, क्योंकि काफी अब 2 साल का और वक्त बाकी बचा है? देखिए, मैं हायर एजुकेशन के बारे में तो कह सकता हूँ, नए संस्थान भी खोलने के लिए उत्सुक हैं प्रदेश में। हम इनोवेशन और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और आने वाले 1.5-2 वर्षों में नौजवान के हाथों को काम मिले, हम ऐसी एक परफेक्ट प्रणाली विकसित कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जयवंत सिंह पवैया जी। तो कहीं ना कहीं इस समय मौजूदा जरूरत है रोजगार की, और सरकार का मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार लोगों को मिले, युवा ज्यादा से ज्यादा जो है उनको नौकरी मिल सके, इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल।